हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैफीन का, यानी चाय कॉफ़ी का हार्ट पेशेंट्स में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हार्ट पेशेंट्स को चाय कॉफ़ी पीना चाहिए, चाय कॉफ़ी में जो कैफीन है वो उनको कुछ फ़ायदा दे सकता है या नुकसान देता है, तो किस तरह से नुकसान दे सकता है और कितना नुकसान दे सकता है, कितनी चाय कॉफ़ी तक उनको परमिट किया जा सकता है एक दिवस में, इसको आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के हिसाब से कैफीन के फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, तो ये नुकसान क्या हैं और कितने हैं और कितने ज़्यादा सीरियस है, इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे कैफीन के फ़ायदे क्या हैं। कैफीन हमारे ओवरऑल अलर्टनेस और मेंटल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ओवरऑल अगर आप चाय पी के काम करते हो तो ओवरऑल आपका कंसंट्रेशन करने का कैपेसिटी और दिमाग को फोकस करने का कैपेसिटी कुछ हद तक बढ़ जाता है। तो ये एक बेसिकली फ़ायदा है, ये है कि जब आप कैफीन को लेते हैं या चाय कॉफ़ी लेते हैं तो आपका ओवरऑल अलर्टनेस बढ़ जाता है। कुछ कार्डियक कंडीशंस के साथ भी कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि कैफीन को लेने से वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है, बॉडी की ब्लड वेसल फंक्शन को और इन्फ्लेमेशन को इम्प्रोवाइज करता है, ऐसा शो किया गया। पर ये बहुत छोटी स्टडीज़ हैं, बहुत अनरिलायबल स्टडीज़ है। तो डेफिनेटली हार्ट अटैक के चांस को कम करने के लिए और लकवे के चांस को कम करने के लिए हम डेफिनेटली कैफीन को या चाय कॉफ़ी को रिकमेंड नहीं करते हैं। थोड़ा इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप इनको पेन रिलीवर्स के साथ देते हैं, यानी कि पेन किलर्स के साथ अगर देते हैं, तो कई लोग को जो हेडेक वगैरह का प्रॉब्लम रहता है उसके साथ अगर कैफीन को देते हैं तो सर दर्द को भी कम करता है, माइग्रेन को भी कम करता है और पेन को भी ओवरऑल सेंसेशन को कम करता है, तो दर्द को कम करने में मदद करता है। ओवरऑल इसका हेल्थ के हिसाब से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि दर्द को कम करने में मदद करता है, ओवरऑल आपकी मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल अलर्टनेस और ब्रेन के फंक्शनिंग को कम करता है, जिससे आपकी ओवरऑल अटेंटिवनेस बढ़ जाती है। ये इसके ओवरऑल थोड़े बहुत हेल्थ रिलेटेड फ़ायदे हैं। मेनली ब्रेन रिलेटेड है कि आपका अलर्टनेस बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत कोई कह सकता है कि हार्ट अटैक के चांस कम कर सकता है, हालांकि इसको बड़ी स्टडीज़ द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया है, और पेन रिलीफ करने में मदद करता है, लेकिन ये फ़ायदे हैं बहुत थोड़े से। नुकसान बहुत सारे हैं, अब उनको बात करते हैं। चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेने से या कैफीन लाने से रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है, लोगों की हृदय गति बढ़ जाती है। लोगों की हृदय गति नॉर्मली जो 60-70 के आसपास होनी चाहिए वो बढ़ के 80 से 100-150 तक भी जा सकती है। ओवरऑल आपकी हृदय गति को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाता है, यानी जो अबनॉर्मल हार्ट के साइट्स हैं जहाँ से करंट निकलता है उनको भी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कई बार बढ़ जाता है। तो अगर किसी को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उनको चाय कॉफ़ी कम रखना चाहिए। नहीं भी है और उनका हार्ट नॉर्मल भी है तो भी उनके लिए नुकसानदायक है, खासकर जिन लोगों को हार्ट का ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम है या हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम रिकमेंडेशन ये है कि दिन भर में मैक्सिमम 2-3 से ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको उसके ज़्यादा मात्रा में लेने में नुकसान करेगा। इसके अलावा ये हार्ट पेशेंट्स के लिए नींद का भी प्रॉब्लम करता है, इंसोम्निया के लिए भी ऑब्वियसली अलर्टनेस बढ़ाता है, तो नींद आना कम होगी, नींद आना कम होगा तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगा और स्लीप कम होगी तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन अपने आप में भी रिदम डिसऑर्डर्स कर सकते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में होना कोई अच्छी बात नहीं है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन होंगे उतना ज़्यादा हार्ट अटैक का, लकवे का या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा लोगों को एसिडिटी भी बढ़ जाती है, ये पेट के गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है, एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है, रिफ्लक्स में मतलब खट्टी डकारे आने का जो प्रोसेस है उसको भी बढ़ाता है, तो ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से आपको एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है। ये भी ओवरऑल हार्ट पेशेंट्स के लिए और बाकी पेशेंट्स के लिए भी नुकसानदायक है। हार्ट पेशेंट को वैसे भी एस्पिरिन खाते हैं तो एसिडिटी होती है और उसके साथ अगर ये लेते हैं तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई लोग को कैफीन ज़्यादा लेने से और सडनली बंद करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उनको इतना नशा या आदत हो जाती है चाय कॉफ़ी लेने का कि जब कभी सडनली उनका चाय कॉफ़ी इंटेक बंद किया जाता है तो उनकी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं करती है और वो विड्रॉल में चले जाते हैं। बहुत सर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो कैफीन को बंद करना सडनली भी एक तरह से नुकसानदायक है और उसको सडनली अगर बंद करते तो पेशेंट उसमें अच्छा बिहेव नहीं करता और ये विड्रॉल के टाइम उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा कैफीन जो है वो ओवरऑल आपकी कुछ मेडिसिन के साथ भी इंट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि बॉडी के एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है, तो कुछ मेडिसिन के साथ भी इसका इंट्रैक्शन हो सकता है जिसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हर व्यक्ति का टॉलरेंस, हर व्यक्ति का थ्रेशोल्ड कैफीन का अलग होता है। कोई व्यक्ति
उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई व्यक्ति को थोड़ा इफेक्ट होगा, कोई व्यक्ति को ज़्यादा होगा। तो ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर हार्ट पेशेंट्स को या हर तरह की हार्ट बीमारी वाले पेशेंट का चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दो तीन चाय कप अगर आप दिन भर में पी रहे हो, खासकर अगर बहुत स्ट्रांग ना हो, तो ज़्यादातर लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा लोगों को कई एंग्जाइटी और नर्वसनेस का प्रॉब्लम भी होता है। तो ज़्यादा मात्रा में आप अगर कैफीन लेते हैं तो वैसे तो आप अलर्टनेस बढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन कई बार लोग को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है, जिसकी वजह से लोग अपना दिन भर का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी कई लोग को होते हैं। कई लोग को ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से इनडाइजेशन का प्रॉब्लम और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है कि कई बार ये डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस भी लोगों को करता है। इसके अलावा लोगों को कई बार इसके ओवर कंजम्पशन की आदत पड़ती है, क्योंकि कैफीन जो है थोड़ा सा एडिक्टिव सब्सटेंस है। ज़्यादा मात्रा में लेने से कई को लत पड़ जाती है, कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं और एडिक्टिव है। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एडिक्टिव है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसको लेते हैं तो कई बार ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप हो जाए। कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ले तो धड़कन अनियमित हो जाए और लोगों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स या ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मिर्गी वगैरह भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने कैफीन ले लिया, खास करके डायरेक्ट कैफीन ले लिया, मतलब चाय कॉफ़ी में तो उतना नहीं कॉन्सेंट्रेशन होता, आपने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ले लिया तो फिर वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में भी ये कैफीन बहुत अच्छा नहीं है। कैफीन का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। बच्चे के जल्दी पैदा हो जाने के, प्रीटर्म हो जाने के, उसका बर्थ वेट कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान इसको लेते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो, प्रेगनेंसी में चाय पिलाना ही बंद कर दो, पर अगर कम रखेंगे तो अच्छा है। लंबे समय में इसको लेने से बहुत ज़्यादा लोगों की डिपेंडेंस हो जाती है और कई लोग को इतनी आदत हो जाती है कि सडनली अगर बंद करो तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको दो चार चाय पिए बिना तो हेडेक दिन भर में होता ही है। तो चाय का इतना ज़्यादा लोगों को डिपेंडेंस हो जाता है कि एक तरह से उनका दिन ही नहीं चालू होता जब तक वो चाय ना पी ले, और ना दिन ख़त्म होता है चाय पिए बगैर। तो ये चाय कॉफ़ी के लिए अलग अलग लोगों में टॉलरेंस बहुत डेवलप हो जाता है, और किसी भी तरह का एडिक्शन या इस तरह का कोई भी चीज़ जो आपको आदत डाले वो चीज़ लॉन्ग टर्म में अच्छी तो नहीं है। कई तरह से आपको नुकसान ही करेगी, कहीं ना कहीं आपको ब्रेन के लेवल पर, हार्ट के लेवल पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स ही कर। कुछ लोग को कैफीन का सेंसिटिविटी भी होता है, यानी थोड़ी बहुत मात्रा में लेने से ही उनको एंग्जाइटी, अरिथमिया, स्लीप डिसऑर्डर्स और ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी हर व्यक्ति का टॉलरेंस अलग होता है, कुछ व्यक्ति को बहुत छोटे डोज में भी ये प्रॉब्लम करने लगता है। तो वैसे लोग को तो चाय कॉफ़ी और कैफीन बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, पर अलग अलग व्यक्ति का टॉलरेंस अलग होता है। कई व्यक्ति को 10 कप पीने से भी प्रॉब्लम नहीं होती और कई व्यक्ति को 1-2 कप में ही दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा कई बार लोग कैफीन को अल्कोहल के साथ मिक्स कर लेते हैं। कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस में या एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन भी होता है और अल्कोहल भी होता है, जो कि काफ़ी डेंजरस और एडिक्टिव कॉम्बिनेशन है। और इसमें लोगों को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लोगों के रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स भी डेवलप हो सकते हैं, अल्कोहल पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये काफ़ी डेंजरस कॉम्बिनेशन है, जहाँ एनर्जी ड्रिंक्स में अल्कोहलिक बेवरेजेस को आप कैफीन के साथ मिलाते हो एनर्जी बढ़ाने के लिए, पर ये हार्ट और हेल्थ के लिए ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक कॉम्बिनेशन। और इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर मिल रहा है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमने बात करी कॉफ़ीन या चाय कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ फ़ायदे और बहुत सारे नुकसानों के बारे में। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि दिन भर में 1-2 कप वो भी लाइट चाय या लाइट कॉफ़ी आपके लिए फिर भी ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे तो आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। जहाँ तक पॉसिबल है आपको 1-2 कप से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर लेने की आदत है तो एटलीस्ट कट डाउन करें तो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा दूध या बहुत ज़्यादा चीनी डाल के नहीं लें, क्योंकि चाय कॉफ़ी के साथ जो दूध और चीनी भी आता है वो भी वज़न बढ़ाता है और ओवरऑल हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसे भी अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।